I am Lupin. ऐसी शॉप्स पे आने का नुकसान ये भी होता है कि जो चीजें आपको नहीं भी चाहिए होती वो भी आप खरीद लेते हो लाइक सारी चीजें खरीद ली हैं और इनमें से मुझे कोई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे देख के लग रहा था कि हाँ ये भी चाहिए और ये भी चाहिए लाइक ये मुझे इसको देखा है मुझे तो तब मुझे याद आया कि मुझे ये भी घर के लिए खरीदना था सो मैंने सोचा कि ये मैं दो ही क्यों ना खरीद लूँ एंड वाटर बॉटल ये मैंने विसाम के लिए परचेज की है एंड ये मैंने परचेज नहीं की ये विसाम में मैंने परचेज भी किया सो ये वाली ग्लासेस ये वाली ग्लासेस मैंने परचेज किए ये मैंने आपको लगा कर दिखाई भी थी कि ये कैसी लग रही है ये वाटर बॉटल ये वाटर बॉटल आई थिंक ये बड़े वाली की मिल जाएगी उसके बाद ये वाली लोशन ये वाली क्यों मैंने परचेज किया ये भी मैंने परचेज नहीं किया ये सामने जो है ना मुझे कीनन डाल दिए होंगे अंदर सो ये वाली तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने परचेज की हैं और अभी हम लोग देखते हैं कि इनका कितना अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम लोग जा रहे हैं $1 शॉप पे और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है इनकी क्रॉकरी बहुत कम पैसों में आप लोगों को जो शीशे की चीज़ें हैं जो शीशे की क्रॉकरी है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी ये आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं ट्रे इसमें आप खजूरें वगैरह जिस तरह के रमज़ान आ रहा है खजूरें वगैरह रख सकते हैं और ये जो कप था ये जूस वग़ैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जूस पी सकते हैं और दूध वग़ैरह पी सकते हैं ये देखें ये बहुत अच्छा एक जग था जैसे रमज़ान में आप समझ लें कि मीठा पानी बनाना हो या पानी को ठंडा करना हो तो ये टूटी लगी हुई है इसकी छोटा सा आप कूलर कह सकते हैं सो ये है आइसक्रीम बनाने के लिए ये आप इसमें दूध वग़ैरह या आइसक्रीम वग़ैरह बना के इसको शेप दे सकते हैं एंड ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त क्रॉकरी है और इन तमाम चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये 160 रुपए की हैं ये देखें फ्रूट्स खजूरें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं ओके ये मैंने लिया है बिसाम के लिए कप पानी की बोतल समझ लें कि इसके ऊपर पाइप सा लगा हुआ था और यहाँ से मैंने ली है एक लोशन मॉइस्चराइज़र ठीक है इस तरह का मॉइस्चराइज़र एटलीस्ट आप अपने हाथ और पाँव के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं सो मैंने ये यहाँ से परचेज़ किया था और ये यहाँ पे आपको प्लास्टिक के डब्बे नज़र आ रहे होंगे और जो प्लास्टिक के डब्बों को मैं जब भी देखती हूँ मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती हैं सो यहाँ पर मैं टेस्ट करने लगी हूँ इस लोशन को कि ये कितना सा हाथ को मॉइस्चराइज करेगी सो ये देखिए मैं अपने दूसरे हाथ पे इसको चेक कर रही थी सो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को ट्राई किया है एक इसको ये डबल एक्शन या कुछ इस तरह का था बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि मैं फेस पे यूज़ नहीं कर सकती ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट मैं फेस पे नहीं कर सकती थी सो हाथ के लिए और पाँव वगैरह के लिए तो ये ठीक होता है इस तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना चाहिए आई डोंट नो $1 का शॉप का नाम ऐसा होता है कि अगर यही चीज़ें हमें बाहर मार्केट से मिलेंगी किसी बड़ी शॉप से तो हम लोग उसको परचेज़ कर लेंगे शायद मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये 160 रुपए की है तो ये ओरिजिनल नहीं होगी आई डोंट थिंक सो कि
ऐसा होगा, क्योंकि अगर यही चीज़ बाहर से मिल जाती है तो मैंने तो इसको परचेज़ कर लेना है। सो मैंने ये एक ली है वाटर बॉटल विसाम फातिमा के लिए। ये आप देखें, ये एंग्री बर्ड टाइप कुछ बना हुआ है। एंड यहाँ से ये देखें चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, ये भी 160 रुपए की आपको मिलेगी। उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, हाँ एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है यहाँ पे डस्टबिन, शायद जो मेरे डस्टबिन है वो 3 साल हो गए उनको मैंने चेंज नहीं किया, वो अच्छी कंडीशन में है बट शायद मैं बोर हो गई हूँ उनको देख देख के। सो ये देखिए, ये मुझे याद दिलाई हैं बिसाम ने चुटकियाँ तार पे लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े गिर जाते हैं, हवा वगैरह आती है, तो ये 160 रुपए के हमें मिले हैं दो। ये यहाँ से अंकल आए हैं और उन्होंने हमें बताया है कि ये 160 के दो हैं, वैसे 80 रुपए का एक मिलेगा। सो हम लोगों ने दो ही ले लिए। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे थंबनेल के लिए कोई एक दो पिक्चर्स बनवा लूँ ताकि टाइटल के लिए मैं दे सकूँ। सो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स बनवाई हैं और ये पीछे टिश्यूज़ वगैरह, टिश्यूज़ के रोल पड़े हुए हैं, ये भी आपको 160 रुपए का ये पूरा रोल मिलेगा। और ये केक कटिंग के लिए और पिज़्ज़ा कटिंग के लिए, और ये माचिस की जगह ये लेज़र, आई थिंक इसको लेज़र कहते हैं, ये यूज़ होता है। एंड यहाँ से कुछ सामान भी सामने टोकरी में डाल दिया था। एंड यहाँ आगे से मैंने कुछ ग्लासेस लिए हैं, ये वैसे बहुत अच्छी थी, मुझे भी घर आके जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी ग्लासेस थी। अगर मैंने नाम से पूछा मगर मुझे ये जितनी मैंने ट्राई की मुझे सारी अच्छी लग रही थी। सो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो और भी परचेज कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मैंने दूसरी ट्राई की है, मुझे सारी ही अच्छी लग, अब भी घर आके तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सारी ही ले लेती, मतलब कि सारी ना सही दो तीन तो ले ही लेती। एंड ये हम लोगों ने ली है पिक्चर, ये वाली ग्लासेस ली हैं। एंड आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, एंड लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।